एक रोज घर से शाहनूर स्टूडियो तक का सफर जिंदगी का ऐसा यूटर्न साबित हुआ कि मदरसे से फारिग तहसील नौजवान 3 दहाइयों से जायद अरसा तक सबसे ज्यादा चाहे जाने वाला एक एहतसास विलन बनकर पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री पर राज करता रहा। हम जिक्र कर रहे हैं एक बारो और दहशतनाक आवाज के मालिक, एक बाकमाल और बेमिसाल शोबिज इंडस्ट्री के विलन शफकत चीमा का, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सेलिब्रिटीज फैमिली। 20 नवंबर 1955 को लाहौर के एक मजहबी घराने में पैदा होने वाले शफकत चीमा ने 1974 में जामिया नईमिया से तालीम हासिल की और फिर अचानक इत्तफाकी तौर पर फिल्म नगरी की तरफ चल निकले और फिर एक रोज शाहनूर स्टूडियो तक का सफर फिल्म नगरी की राह ले निकला। और ऐसा कि मदरसे का ये नौजवान एक एहसास विलन बनकर बड़ी स्क्रीन की जीनत बनता रहा। 1974 से 1988 तक मामूली किरदार तो निभाते रहे मगर पजीराई ना मिल सकी। फिर 1999 में बनने वाली फिल्म कालका ने शफकत चीमा के लिए फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे ऐसे खोले, फिर मुद्दत दराज तक बड़ी स्क्रीन के पर्दा पर 400 से शायद पर नमूदार हुए और फिर काले चोर, ससी पुन्नू, मजाजन, चूड़ियां, मूसा खान और बोल जैसी सुपरहिट फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखाते नजर आए। शफकत चीमा को फिल्म चूड़ियां में बेहतरीन अदाकारी के बायस निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। शफकत चीमा ने 1995 में रिलीज होने वाली फिल्म कलाशनकोफ में बतौर हीरो भी काम किया मगर आवाम में बतौर फिल्म जबान जदे आम होने की वजह से उन्हें बतौर हीरो मकबूलियत ना मिल सकी। शफकत चीमा बास टीवी ड्रामों में भी फनकाराना सलाहियतें दिखा चुके हैं। ड्रामा सीरियल अश्क, खत और मोहब्बत और हीर रांझा इसी सिलसिले की कड़ी हैं। शफकत चीमा सिर्फ उर्दू और पश्तो फिल्मों में बतौर विलन की एक्टिंग नहीं करते बल्कि एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। हालिया वर्षों में रिलीज होने वाली फिल्म जियो सर उठा के प्रोड्यूसर भी शफकत चीमा ही हैं। शफकत चीमा की 6 बेटियां और 1 बेटा है। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के राइजिंग स्टार शहरयार चीमा भी उन्हीं के साहबजादे हैं। शफकत चीमा के एक भाई नदीम चीमा हैं, जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर हैं। नाज़रीन, जाते जाते एक दिलचस्प बात भी आपको बताते चलें। क्या आप जानते हैं कि शफकत चीमा हाफिज़े कुरान होने के साथ साथ एक अच्छे नातवां भी हैं?